आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। अंदर के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। आज हम मौजूद हैं सुल्तानपुर जिले के थाना अखनगर अंतर्गत ग्राम मरुई किशुनदासपुर में, जो 3 जुलाई को डबल मर्डर हत्याकांड हुआ था, उसमें आज मैं आया हूं उनके परिजनों से जांच पड़ताल करने का। आखिर कहां तक जो है प्रशासन के द्वारा कार्रवाई किया गया है, कहां तक नहीं किया गया है, इसकी जानकारी हम उनके मृतक धर्मराज मौर्य जो मृतक थे, और एक विजय राजभर को 3 जुलाई को जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी रात को लगभग 11 बजे। आइए हम बात करते हैं उन परिजनों से, आखिर पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई, क्या नहीं की गई है। आइए, हमारे बीच में मौजूद है उनके परिजन। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मौर्य जी। ये बताइए, आपके पिता जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस प्रशासन से लेकर के आईजी, एसपी, सीओ, थाना इंचार्ज अखंड नगर, सभी लोग घटना का मुआयना किया था, संज्ञान में लेकर के कहाँ तक जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की? पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई तो की जा रही है, पर ये कार्रवाई से अभी हम संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्या? क्योंकि आईजी साहब आए थे बोले से 24 घंटे के अंदर अंदर हम खुलासा कर देंगे। 24 घंटा क्या, अभी तो 24 दिन बीत गए, 24 दिन बीत गए और ना ये कोई कानून थाने से कोई खुलासा हो रहा है, ना आजी साहब कर रहे हैं, न कप्तान साहब अभी कर रहे हैं, न सीओ साहब कर रहे हैं। बस यही भरोसा इतना देते हैं कि दो चार दिन हो जाएगा। 24 घंटे की मोहलत दीजिए, हाँ, कि 24 घंटे में मैं जो है अपराधी का खुलासा कर लूँगा, लेकिन अब आज 24 दिन बीतने वाले हैं, यानी बीत गए हैं, समझ लीजिए अभी तक जो है पुलिस प्रशासन जो है हत्या करने वाले लोगों को खुलासा नहीं, अभी तक नहीं कर पाई। जब भी हम थाने जाते हैं, जब भी सीओ के पास जाते हैं, तो यही कहते हैं कि दो चार दिन में करते करते यहाँ 24 दिन हो गए। अब 24 दिन में क्या हो गया, अब हम लोग जो आस है जो बैठे प्रशासन से भाई खुलासा होगा, करेंगे तो अपराधी को ले जाएंगे, लेकिन अब हम लोग आस जो है टूटती जा रही है। ऐसा क्यों आप हिम्मत हार रहे हैं? हिम्मत इसलिए हार रहे हैं कि आज 24 घंटे से 24 दिन हो गए, और 24 दिन हो गए, 24 से फिर 48 दिन भी हो जाएंगे। अब प्रशासन आती है घूम फिर के, कभी उनको पकड़ के ले जाएगी, कभी उनको उठा के ले जाएगी, उसके बाद पूछताछ करके छोड़ देगी। जो सही मुजरिम है वहाँ तक अभी तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे पहुँचे, और यही दिलासा दिलाएंगे, बस दो चार दिन हो जाएगा, यही करके हमें आज करके भेज देते हैं। जबकि देश में मोदी सरकार है, प्रदेश में योगी सरकार है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि हमारे प्रदेश से जो है गुंडा सभी या तो प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं या फिर वो जेल के अंदर हैं, आखिर अब तक क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, योगी जी सरकार जो है उसके उनकी बात ठीक है कि प्रदेश छोड़ के भागे हैं, गांव छोड़ के नहीं भागे हैं, प्रदेश वाले निकले, लेकिन गांव वाले अभी हैं, और गांव वाले जो छोटे मोटे हैं वही सब ये सब घूम घूम के सब कांड करते हैं, और उनके ऊपर कोई एक्शन होता नहीं है, और जो थाने से है थाने रिपोर्ट लिखा हो तो वो अपना घूम फिर के अपना सफाई अपना कर देते हैं, खत्म मामला। जब एक्शन होगा नहीं तो गांव वाले तो भाई कुकिया में कानून फायदा हो गए, ऐसे बात है। योगी जी और शासन प्रशासन सब क्या चाहते हैं? योगी से हमारे काम की यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी जो है अपराधियों को उनको कानून पकड़ा जाए, उनको जेल करें, नहीं मिले एनकाउंटर करें, क्योंकि अभी हम लोगों को भी इतना दिन बीत गया, खतरा हो रहा है। खतरा इसलिए हो रहा है कि हम सब कानून के 4 लोग हैं, हम भी विकलांग हैं, हमारी पत्नी भी विकलांग है, मेरे बड़े भाई भी विकलांग है, और कोई है नहीं घर में, अब खुले में रहते हैं, सोते हैं, रात में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं योगी से यही सिफारिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी जो है कि इसकी कार्रवाई करें, और थाना और प्रशासन को सबको कहने के आदेश दें, जहाँ भी हो उसको ढूंढ के निकाले, उसको जेल दें। हमारे चैनल के माध्यम से आप आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि योगी जी सरकार के कि उनको कहीं से भी जो है थाने में अपराध करें, कप्तान साहब को सूचित करें, आईजी साहब को सूचित करें, जैसे भी हो, जितना भी जल्दी से जल्दी हो, जितना भी हो उसके मुजरिम को हाजिर करें, हम यही चाहते हैं आपके चैनल।
जैसा कि मृतक के परिजनों का बहुत बड़ा आरोप है कि शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन के द्वारा 24 घंटे की मोहलत लिया गया था कि हत्या करने वाले लोगों को खुलासा करने कर देंगे, लेकिन ठीक 24 दिन बीत गए, अभी तक जो है पुलिस प्रशासन जो है हत्या करने वाले हत्यारों का अभी तक कोई भी खुलासा नहीं कर पा रहा। जबकि आप देख पा रहे होंगे कि मृतक के परिजन बेहद लाचार है, विकलांग है। ये शासन प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके शासन प्रशासन उन हत्या करने वाले हत्यारों का खुलासा करके उनको जेल भेजने का काम करे। आप देख रहे हैं केमास न्यूज़, क्राइम ब्यूरो सुल्तानपुर की रिपोर्ट।